हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामगढ़ टेक में। दोस्तों, बहुत ही बड़ा अपडेट निकल कर आया झारखंड के जिला रांची की तरफ से। रांची रिम्स के तरफ से भर्ती का अपडेट यहां पर निकल कर आया। लगभग 17 से 20 तरह के भर्ती का अपडेट यहां पर निकल कर आया है। अगर आप इसमें आवेदन करना चाहते हैं, अगर आप राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, पूरा जानकारी देंगे कौन से पद पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया, कैसे आवेदन करना है और कौन कौन सा क्वालिफिकेशन यहां पर मांगा गया है। तो चलिए, क्या खबर निकला है, क्या अपडेट निकला है, पूरा डिटेल में देख लेते हैं। तो बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस रेड बटन पर क्लिक करें और बेल का आइकन ऑन करें, ताकि जो भी वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो मैं अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंच सके। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका एडवर्टाइजमेंट जो है आपके सामने खुल चुका है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची। जी हाँ, आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर 903 है और इसका पब्लिश डेट यहाँ पर देख सकते हैं 5 मार्च 2019 को कर दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, अप्लीकेशन इन प्रेस्क्राइब परफॉर्मा इन कम्प्लीट बायोडाटा इन्वाइट द अप्लीकेशन ऑफ वेरियस पोस्ट वैकेंट फैकल्टी पोजिशन मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर नन फैकल्टी पोजीशन अवेलेबल विथ रिम्स रांची एंड ऑटोमेस इंस्टीट्यूट ऑफ अंडर गवर्नमेंट ऑफ झारखंड। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में भर्ती का अपडेट निकल कर आया है, जिसमें आप देख सकते हैं मेडिकल एडमिनिस्ट्रेशन एंड जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर नन फैकल्टी पोजीशन पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया है और वेरियस पोस्ट यहाँ पर बहुत तरह का और भी भर्ती का अपडेट निकल कर आया है, जिसमें आपको यहाँ पर बोल रहा है कि अप्लीकेशन का फॉर्मेट बनाकर कंप्लीट बायोडाटा के साथ आपको यहाँ पर फिल करना है अप्लीकेशन को, और अप्लीकेशन को फिल जो करना होगा वो आपको ऑफलाइन में करना है। तो कैसे करना है, पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से पद पर भर्ती का अपडेट यहाँ पर निकाला गया है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर डिपार्टमेंट लिखा हुआ है। उससे पहले आपको यहाँ पर देखिए आपको फैकल्टी ऑफ पोस्ट, जी हाँ यहाँ पर देखिए पोस्ट आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोफेसर। प्रोफेसर में देखिए वन ऑफ ईच डिपार्टमेंट, नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, मेडिकल ओनोलॉजी, सर्जिकल ओनकोलॉजी एंड एक्सटीरियर सर्जिकल ब्रांच, सुपर स्पेशलिस्ट, न्यूट्रोलॉजी, नाइट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर। तो ये सभी पदों पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया। उसके बाद देखिए एडिशनल प्रोफेसर में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर इसी तरह से भर्ती का अपडेट, जैसे कि मेडिकल साइंस, प्लास्टिक सर्जरी, क्रिटिकल केयर, एनकोलॉजी, सर्जिकलॉजी, एनकोलॉजी, ये सब भर्ती का अपडेट निकल कर आया। उसके बाद देखिए एसोसिएट प्रोफेसर की बात कर ले, तो यहाँ पर देखिए नेफ्रोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरी, ओनोलॉजी, सर्जिकल ओनोलॉजी, एनेस्थेसिया स्पेशलिटी, न्यूट्रोलॉजी, न्यूट्रोलॉजी, प्लास्टिक सर्जरी एंड क्रिटिकल केयर। तो ये सभी पदों पर भर्ती का अपडेट निकल कर आया। और नीचे में देखिए आपको यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट देखने को मिल जाएगा, कौन कौन से डिपार्टमेंट में ये भर्ती का अपडेट निकाला गया और कितना सीट यहाँ पर निकल कर आया, वो सब आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर सीट बताया गया है और देखिए जो जो मैं आपको बताया हूँ सभी का नाम यहाँ पर दिया हुआ है और सभी में यहाँ पर सीट भी कैटेगरी वाइज यूआर है, एसटी, एससी है, BC1 BC2 सभी को यहाँ पर दिया गया है। और नीचे में देखिए कुल बताया जा रहा है कि यूआर में 57 है, उसके अलावा देखिए यहाँ पर 35 है, 17 है, 1 है। तो इस तरह से यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है सीटें बांट दी गई है। उसके बाद नीचे में आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको एलिजिबिलिटी बताएगा कि आपको क्वालिफिकेशन क्या बनाया गया, इसमें क्या क्वालिफिकेशन लगेगा। प्रोफेसर में देखिए यहाँ पर एमडी एमएस बताया गया है, टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस यहाँ पर मांगा गया है, उसके अलावा एमसीआई नॉर्म्स मांगा गया है। यहाँ पर देखिए एमडीएम का यहाँ पर सर्टिफिकेट भी आपको, 2 ईयर का, 5 ईयर का कोर्स, आपका एमबीबीएस का रिलेटिव आपका एक्सपीरियंस के साथ, आपका डीएम, डीएमसीएच, एमसीएच एंड रिस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट का आपका सर्टिफिकेट एमसीआई नॉर्म्स का मांगा गया। उसके बाद देखिए एडिशनल प्रोफेसर में देखिए यहाँ पर 10 ईयर टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, उसके अलावा एमडी एमएस क्वालिफाइंग रिकॉग्नाइज क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज रिलेटिव थ्री टू एमसीआई नॉर्म्स का सर्टिफिकेट, उसके अलावा देखिए 8 ईयर का टीचिंग एंड रिसर्च एक्सपीरियंस डीएम एमसीएच, 2 ईयर, 5 ईयर रिकॉग्नाइज कोर्स आफ्टर एमबीबीएस MBBS रेस्पेक्टिव डिसिप्लिन सब्जेक्ट क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तभी आप यहां पर आवेदन को कर सकते हैं। तो उसके साथ यहां पर देखिए और भी बहुत तरह भर्ती का अपडेट यहां पर, जिसके क्वालिफिकेशन एसोसिएट प्रोफेसर, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर,
आप देख सकते हैं रेडियोलॉजी का है, डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट है, तो सभी पर यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज बांट दी गई है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन लगेगा। तो मेडिकल साइंस से जो पास करे होंगे वही लोग यहाँ पर आवेदन कर सकें। आप पे स्केल की बात कर ले तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पे स्केल भी काफ़ी बढ़िया मिलने वाला है, 15,600 से लेकर 39,100 प्लस। आप देख सकते हैं पे आपका मिनिमम 30,000 ग्रेड पे यहाँ पर देख सकते हैं 8,000 रुपया आपको बताया गया है। तो इस तरह से यहाँ पर इनको पे स्केल मिलेगा। और यहाँ पर आप देखिए इनको जो है आवेदन को करने के लिए सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज, मार्कशीट, इनका जितना भी होगा बायोडाटा, क्वालिफिकेशन सभी को सेल्फ अटेस्टेड कर लेना है। और इनको देखिए यहाँ पर एड्रेस भी बना दिया गया, इस एड्रेस पर आपको भेज देना है, ऑफिस ऑफ द डायरेक्टर राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, इस एड्रेस पर भेज देना है 10 अप्रैल 2019 शाम 5 बजे से पहले भेज देना है। और यहाँ पर देखिए फॉर्म को भरने के लिए 250 रुपया डिमांड ड्राफ्ट भी बनाना पड़ेगा, एसटीएससी को 250 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा, जनरल ओबीसी को 1,000 रुपये का डिमांड ड्राफ्ट बनाकर सेल्फ अटेस्टेड सारा डॉक्यूमेंट करके एक वाइट पेपर में फॉर्म का फॉर्मेट बनाकर आपको इसे सेंड करना होगा। मैं आपको फॉर्म का फॉर्मेट दिखा देता हूँ, देखिए ये फॉर्म का फॉर्मेट है, आपको इस तरह से कुछ अपना फॉर्म ब्लैंक पेपर में बनाना होगा और आपको इसे भेजना पड़ेगा पोस्ट ऑफिस के माध्यम से। तो यही छोटा सा अपडेट निकल कर आया है रांची रिम्स की तरफ से, राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से। तो आशा करता हूँ वीडियो में सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों ग्रुप में शेयर कीजिएगा, और फॉर्म को डाउनलोड करना चाहते तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करके आप फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऐसी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए आज के लिए इजाज़त चाहूँगा, कल फिर मिलूँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा अपना, नमस्कार।